उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में लगातार हुई बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो दी, लेकिन चारों तरफ ओर जल भराव की स्थिति पैदा कर दी है। वीडियो में जो नज़ारा आप देख रहे हैं, मथुरा के प्रमुख मार्ग नए बस स्टैंड के निकट पुल का है, जहां जल भराव होने से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इस जल भराव में एक स्कूली बस फंस गई, जिसमें कुछ स्कूली बच्चे बैठे हुए थे। वहीं एक एम्बुलेंस भी जल भराव में साफ दिखाई दे रही है। स्कूली बस में फंसे बच्चों को ट्रैक्टर की मदद से खींचकर बाहर निकाला गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से चारों ओर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। नगर निगम प्रशासन जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नाकाम साबित हो रहा है। यह कोई पहली बार नहीं है। मथुरा में हर बार होने वाली बारिश में चारों ओर जल भराव से आम जनमानस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नगर निगम प्रशासन नालों की सफाई के कितने भी दावे कर ले, पर सच्चाई आपके सामने है। तस्वीर बेहद हैरान कर देने वाली है कि जल भराव देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं शहर में बाढ़ आ जाए तो क्या होगा। क्या यही है मथुरा का विकास? स्थानीय लोगों का कहना है कि मथुरा में होने वाली बरसात में जल भराव हो ही जाता है। मथुरा से जनमत न्यूज के लिए सैयद जाहिद की रिपोर्ट।